व्लॉग भाई, इस व्लॉग में डिस्कस करना है भाई। बहुत से लोग मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं, दुबई आना है या यूएई आ रहे हैं। बहुत से लोग प्लान कर चुके हैं, बहुत से लोग प्लान कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में जो कवर करने वाला हूँ, छोटी सी वीडियो है कि भाई अगर आप आ रहे हैं तो आपको किस मार्केट को टारगेट करना है, नंबर वन, और किस एरिया में आपको रहना चाहिए यूएई के अंदर, ताकि आप इजीली जॉब फाइंड आउट कर सकें। सबसे पहले अपने आने से पहले ये सोचना भाई आप करना क्या चाह रहे हैं, ठीक है ना। पहले अपना माइंडसेट क्लियर करें, उसके बाद फिर आगे देखते हैं ना। आपने यूएई में किधर जॉब करनी है, दुबई में करनी है, अबू धाबी में करनी है, 7 स्टेट्स हैं जिधर आपका दिल करता है आप कर सकते हैं। आप मुझसे पूछते हैं, मेरी रिकमेंडेशन चाहते हैं, अगर आपने टारगेट करना है दुबई मार्केट को करें, अबू धाबी मार्केट को करें, ठीक है। मोर अपॉर्चुनिटीज़ है, बड़ी मार्केट है, आपको इजीली जॉब मिल सकती है। सेकंड क्वेश्चन जो बहुत से भाई पूछ रहे हैं, ठीक है, देखें अगर आपने दुबई मार्केट को कैप्चर करना है तो भाई मेरे कहते हैं कि हम अकोमोडेशन किधर लें, ठीक है। मैं हमेशा यही प्रेफर करता हूँ, अकोमोडेशन उसी जगह पर लें जहाँ पर आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं। आप दुबई में जॉब ढूंढना चाह रहे हैं तो आपकी अकोमोडेशन भी दुबई में ही होनी चाहिए, ठीक है, ताकि आपको ट्रैवल करने में, आगे पीछे जाने में इजी हो। बहुत से मेरे दोस्त हैं, अभी एक भाई ने मैसेज किया था मुझे, कह रहे थे कि यार मैंने अजमान में अकोमोडेशन ले ली, शारजा में ले ली, लेकिन उनकी टारगेट जो मार्केट है वो दुबई है। मैं ये नहीं कह रहा दुबई, देखें कॉल आपको शारजा से भी आ सकता है, अजमान से भी आ सकता है, उमलकुन से भी आ सकती है, रासुल खैमा से भी आती है, अलैन से भी आ सकती है, ठीक है। मेन चीज़ है कि आप जो हॉट मार्केट है ना उसके करीब रहें। हॉट मार्केट के करीब रहेंगे तो आपके लिए एक्सेस ज़्यादा इजी है। हम लोग जब आते हैं, हमारे पास कोई ट्रैवल की कोई चीज़ नहीं होती, तो हमें कोशिश करनी चाहिए थी कि जितना मेट्रो के करीब रहें ज़्यादा इजी है। मेट्रो स्टेशन आप सर्च करें, ठीक है। अब आप पूछेंगे कौन सी जगह रहना चाहिए, कौन से इलाके में, भाई पूरा गूगल मैप पड़ा हुआ है, आप खोल के देखें, आपको समझ आ जाएगी मेट्रो किन एरिए में टच करती है। फिर भी अगर आप चाहते हैं बर्द भाई डेरा, करामा, सतवा, चीप एरियाज़ हैं जहाँ पर आप रह सकते हैं। शारजा में आप रह सकते हैं, अकोमोडेशन थोड़ी सस्ती मिल जाएगी, लेकिन वहाँ से आना जाना, आपको इंटरव्यू कॉल आई होगी, आपको लेके जाने वाला कोई नहीं होगा, भाई मुझे लेके चला जा, फ़ोन करेंगे वो भाई ऑफिस में होंगे आपके, जो भी रिश्तेदार होंगे, आप इंटरव्यू मिस करेंगे, आप लेज़ी हो जाएंगे, आप एक्टिव नहीं रहेंगे, आप बार बार बाहर नहीं निकलेंगे मार्केट में सीवी डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। कीप इन माइंड अपनी लोकेशन हमेशा हॉट मार्केट के करीब रखें। अबू धाबी जा रहे हैं तो अबू धाबी सिटी के अंदर कोशिश करें, थोड़ी सी एक्सपेंसिव हो जाएगी लेकिन आपको उसका बेनिफिट ज़्यादा हो जाएगा कि आपके पास मार्केट ओपन होगी, इजीली आप मूव कर सकते हैं मार्केट में और जॉब फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। तो ये भाई का क्वेश्चन था, सबको क्लियर करनी थी बात कि अपने आप को भाई हॉट मार्केट के करीब, दुबई में है तो दुबई के अंदर रेजिडेंस देखें, ये जो एरिया आपको बताएं इनके पास और मेट्रो के पास अपने आप को करें, ताकि आप इंटरव्यूज़ के लिए जा सकें और सीवी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जा सकें, किसी से मिलना मिलाना है, जो भी है भाई आप मार्केट के अंदर हो। उसके बाद जब आपको जॉब मिल जाती है फिर आप देख सकते हैं कि भाई आपने फर्दर कहाँ मूव ऑन करना है, अपनी कंपनी के आसपास जो करीब जो है अकोमोडेशन देख लें, लेकिन विजिट पे कोशिश करें मार्केट के करीब रहें। बस यही इस वीडियो में बताना था। मिलते हैं अगले व्लॉग में कोई भी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, सॉलिड इन्फॉर्मेशन के साथ। कुछ भी हो सकता है हमारे चैनल पर, लगे रहें साथ। बाय बाय।